अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज बहुत मज़े का सॉफ्ट टी टाइम केक की रेसिपी लाई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले हम एक बाउल ले लेंगे, विदाउट बीटर हम बनाएंगे। 3 eggs ले लेंगे, ठीक है, और ये जो विस्क होता है दही फेंटने वाला वो हम ले लेंगे, उसकी मदद से हम आज केक बनाएंगे विदाउट बीटर, ठीक है। हमने यहाँ पे 3 eggs को ब्रेक कर लिया, चेक कर लीजिएगा eggs ठीक हो, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो बाज़ दफ़ा ख़राब भी होते हैं। तो ये अब मैं इसको थोड़ा सा बीट कर लूँगी eggs को, ठीक है। eggs रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ठंडे ना हों, वरना केक जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं बनता, ठीक है। और अब हम इसको थोड़ा सा बीट करेंगे 2-3 मिनट, और फिर इसमें हम शुगर डालेंगे 1/2 cup जितनी। मैंने थोड़ी सी कम यूज़ की है 1/2 cup से, आप 1/2 cup ही डालें तो आपका मीठा ठीक होगा, ठीक है। एक ही कप यूज़ करें जिससे आप मेजरिंग करें। अब ये देखें 1/2 cup इसके अंदर शुगर है, और हम इसको अब अच्छे से फेंट लेंगे। आप पिसी हुई चीनी भी यूज़ कर सकते हैं और थोड़ी सी दानेदार भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसे फिर इतना विस्क करना है कि उसका दाना ना रहे, ठीक है। और मैंने बारीक वाली चीनी यूज़ की थी, तो थोड़ी देर फेंटने के बाद उसका दाना ख़त्म हो गया था, ठीक है। अब यहाँ पर हम 1/4 cup के जितना ऑयल ऐड करेंगे, चौथाई कप, ठीक है। और फिर इसको हमने अब थोड़ा सा बीट करना है इन सब चीज़ों को, थोड़ा सा 2-3 मिनट और, ताकि इसमें थोड़ा सा एयर आ जाए एग्स में और हमारा केक जो है सॉफ्ट सा बने, ठीक है। ये देखें विस्क कर रही हूँ थोड़ा सा, और 2-3 मिनट, और चीनी के भी सारे जो ज़र्रात हैं वो डिज़ोल्व हो जाने चाहिए। बड़ा झटपट ये केक बनेगा, टी टाइम के लिए अच्छा है, और चाय बनाने से 30 मिनट पहले आप इसको बस बेक करने रखें और आपका केक रेडी। यहाँ पे हम 1 cup मैदा ले लेंगे, 1 cup मैदा फुल भर के, और इसको हम ऐसे छान के डालेंगे। ये स्टेप ज़रूरी होता है ताकि कोई लम्स ना हो मैदे में, और दूसरी बात ये है कि कोई कीड़ा वीड़ा भी ना हो, और ये स्टेप आप ज़रूर कीजिए। उसके बाद हम इसको मिक्स करते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ मैं। अच्छा, मैदा डालने के बाद आपको बहुत ज़्यादा बीट नहीं करना होता केक को, ये रूल है इसका, वरना केक थोड़ा हार्ड बनता है, ठीक है। मैदा डालने के बाद आप थोड़ा कम ही बीट करें, बस इतना बीट करें कि आपका मिक्सचर रेडी हो जाए, थिक सा लम्प फ्री मिक्सचर, ठीक है। अब ये है 1 tablespoon के जितना बेकिंग पाउडर, ठीक है, सिर्फ बेकिंग पाउडर ऐड किया है 1 चम्मच, और इसको भी हमने छान लिया है। अब देखें, अब इसके अंदर हम मिल्क ऐड करेंगे अपने हिसाब से, आप देखिएगा। मैंने यहाँ पे 3 tablespoon के जितना मिल्क ऐड किया है कि मिक्सचर की जो थिकनेस है वो ठीक हो जाए और अच्छा सा बैटर बन जाए, ठीक है। ये देखें आपके सामने है, बहुत ज़्यादा रनी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं है, अच्छा सा एक स्मूथ सा बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब दूध 3 से 4 चम्मच भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मैदा हम मेजरमेंट उसकी कम ज़्यादा कर देते हैं इसलिए, ठीक है। ये हम मिल्क ठंडा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब ये है वनीला एसेंस, बस ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, तो बड़ा मज़े का बनता है ये, फ्रेश फ्रेश बनाएं और सबको बहुत पसंद आएगा। चाय के साथ सर्व करें फ्रेश केक, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, जल्दी से बन जाएगा, ठीक है। ये काम आप ब्लेंडर में भी कर सकते हैं, आप एक एक करके चीज़ें डालें और ब्लेंडर में मिक्स करें और केक रेडी है। अच्छा, ये अब मैंने टिन ले लिया एक, आज मैं इसको ओवन में बनाऊंगी। मैंने पहले वाली रेसिपीज़ में अपने पतीले में भी बनाना सिखाया है, बहुत इजी होता है। आप कोई भी पतीला बड़ा ले लें और उसके अंदर कोई रैक वगैरह रख के ऊपर आप अपना जिस टिन में भी आप बेक कर रहे हैं वो रख दें 45 मिनट्स तक के लिए, ठीक है, नॉर्मल हीट पर। अच्छा, अभी हम बेक करने के लिए इसको पैन में निकाल रहे हैं। मैंने बटर पेपर लगाया, बटर पेपर के ऊपर ऑयल लगाया। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल लगा के हल्का सा मैदा डस्ट कर दें, उससे भी नहीं स्टिक होगा। अब हम इसकी एयर बबल्स निकाल लेंगे थोड़ा सा इसको टैप करके, ठीक है। अब हम इसको ओवन में रख देंगे। यहाँ पे मैं 30 मिनट्स के लिए इसको ओवन में रख रही हूँ 180 डिग्री पर, तो दोनों रॉड्स ऑन करके ये केक हमारा रेडी है। अच्छा, आप इससे थोड़ा सा डार्क भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही रखा और बहुत मज़े का लग रहा था। ये साइड से थोड़ा सा क्रिस्पी, ऊपर से अंदर से सॉफ्ट। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना हल्का सा इसके ऊपर जैम ऐड करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपका दिल चाहे तो करें, वरना आप प्लेन भी रख दें। इससे ज़्यादा मीठा नहीं होता, बस एक शाइन सी आती है। आप इसको पीसेस में कट करके रखें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा आपकी प्लेट में, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा गरम गरम केक पे जैम ऐसे कर दिया, तो ये सेटल डाउन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। जिस फ्लेवर का भी ले लें, मेरे पास एप्पल का अवेलेबल था, मैंने वही ऐड कर दिया।
अब इसके ऊपर मैं हल्की सी जो है ना आइसिंग शुगर जो होती है ना वो स्प्रिंकल करूँगी। तो जनाब मैंने शुगर क्योंकि अंदर भी कम रखी थी तो ऊपर डाल लेंगे तो कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं इसका बटर पेपर रिमूव कर रही हूँ और क्योंकि मेरा पैन फैला हुआ था तो ये थोड़ा फैला फैला सा बना है। बना ये आप अगर गोल में या छोटे पैन में बनाएंगे तो ये सही थिकनेस पे बनेगा, लेकिन ये भी थिकनेस अच्छी थी, स्लाइस में कट करके रखा तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। ठीक है, अभी मैंने थोड़ी सी ऊपर आइसिंग शुगर डाल दी ताकि जैम की जो शाइनीनेस है थोड़ी सी कम हो जाए और स्टिकीनेस ख़त्म हो जाए। और ये देखिए कितना मज़े का, कितना सॉफ्ट। अभी मैं आपको कट करके दिखाती हूँ, ये रेडी हुआ है। ये देखिए, ये देखें कितना सॉफ्ट है ये। तो ज़रूर इस रेसिपी से आप केक बनाएं, इजी केक, होममेड केक। तो ट्राई करें मेरी रेसिपी को, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।